हेलो ट्वेल्व, स्वागत है आपका स्टूडियो चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिससे आज हमारा पूरा देश जूझ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या हो सकता है जिससे हमारा पूरा का पूरा इंडिया आज कहीं ना कहीं फेस कर रहा है प्रॉब्लम को। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर पूरा इंडिया आज फेस कर रहा है प्रॉब्लम। सो ओवर द थिंग, हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा आज इंडिया फेस कर रहा है हमारा इंडिया। ऑटो टॉपिक की अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो उस पर खुल के बात करता है। जैसे कि पॉलिटिक्स की बात हो तो आप उससे जितनी चाहें उतनी बात कर सकते हैं, बट जब बात आती है इनर टॉपिक की तो उस चीज़ के ऊपर कभी भी हमारा इंडिया ओपन अप नहीं हो पाता है। बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, हमारा सोसाइटी उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या उन पर खुलकर बात नहीं हो पाती है, जिसके वजह से सही तरीके से लोगों को नॉलेज नहीं मिल पाती है। आप अगर बात नहीं करेंगे देन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। सो मैं आज एक ऐसी ही प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोटेंसी, और शॉर्ट में इसे हम ईडी भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम नपुंसकता भी कहते हैं। सो टुडे, ऐसे अनअवेयरनेस की वजह से आज हमारा पूरा इंडिया कहीं ना कहीं कैपिटल ऑफ इम्पोटेंसी बन चुका है। पीपल कांट टॉक ओपनली अबाउट ईडी इन इंडिया, बिकॉज इसके पीछे रीजन है कि सेल्फ स्टीम और लोगों का मान सम्मान उस चीज़ से जुड़ जाता है, जिसके वजह से वो ओपन अप होके इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाते। सो टुडे इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, बिकॉज आज हम बात करेंगे इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम किस तरीके से अराइज हो रखी है इंडिया के अंदर, इसके क्या प्रॉब्लम्स होते हो चुके हैं और इसका रीज़न कैसे हुआ, इसका इंडिया में शुरुआत कैसे हुआ, और इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम में से जुड़ी बहुत सारी फैक्ट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इस प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके लिए जाना बहुत ही ज़रूरी है। सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। फर्स्ट सी दिस मैप, कि ये जो मैप है इस मैप को डिवाइड करा गया इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट हाई ब्लू मीडियम, उसके बाद लो मीडियम, उसके बाद आपको देख सकते हैं कि इसमें जो तीन कैटेगरीज है हाई मीडियम लो, इसमें ब्लू जो कैटेगरी है जिसमें सबसे ज़्यादा डार्क में किया गया वो है एरिया जहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो रखी है, जिसमें आपका अफ्रीका आता है, साउथ अफ्रीकन आता है, लैटिन अमेरिका आता है, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन आपको दिखेगी वो है आपका चाइना और आपका इंडिया, जहाँ पे ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। और इंडिया भी इसका सबसे ज़्यादा एक पार्ट है जहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल पर्सन को इरेक्शन नहीं हो पाता है, ये लंबे टाइम तक जब पर्सन अपने इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो उस समय इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी, और हिंदी में इसको नपुंसकता भी कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में स्टडीज़ क्या कहती है इसके ऊपर, इंडिया पे पूरा रिसर्च आज स्टडी कर रहा है, क्योंकि इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है। सो ईडी की प्रॉब्लम यहाँ पर हर दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका रीज़न क्या है, इसके ऊपर पी फाइजर ऑब्जॉव के द्वारा एक रिपोर्ट, एक सर्वे कंडक्ट करा गया था, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इंडिया में 28% जो वुमेन्स हैं ड्यू टू दिस प्रॉब्लम अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंडीशन में बन जाती है, और अगर एक पर्सन, एक मेल अगर इस प्रॉब्लम का टेक केयर या अच्छी तरीके से डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है, देन 56% मैन ऐसे हैं जो ओपन अप नहीं है इस चीज़ के बारे में या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम के बारे में, बोलने से कतराते हैं या बोल नहीं पाते हैं या इसके बारे में रिव्यूज़ अपना शेयर नहीं कर पाते हैं या लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो उनमें यह देखा गया है कि ये जो मैरिजेज़ हैं 20-30% मैरिजेज ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और ड्यू टू दिस प्रॉब्लम टूट भी जाते हैं। कंपेयर टू मैन वर्सेज वुमेन, अगर हम देखें तो 53% मैन है जो इस चीज़ के बारे में अवेयर है और दूसरों से इसके बारे में सलाह मशवरा करते हैं। 78% वुमेन है जो इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयर हैं, और ये हैरानी की बात है केवल 35% ही ऐसे वुमेन्स हैं जो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। वहीं पर 47% एंड 75% एंड 66% ये क्राइटेरिया दिया गया है वुमेन्स और मेन का, जहाँ पर वो किन किन कैटेगरीज के अंदर इस कंसेप्ट के बारे में या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं है। सो वुमेन सोचती ये भी है कि एजिंग रीज़न रहता है उनके इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो 82% वुमेन जो ये सोचती है कि डॉक्टर इज़ दी बेस्ट चॉइस है अगर वो किसी चीज़ के बारे में समझना चाहती हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में डीप में समझना चाहती हैं,
वो वहाँ पर जाके इसके बारे में सलाह मशवरा ले सकती हैं। और केवल 61% मैन ही ये समझते हैं कि डॉक्टर इज़ दी बेस्ट। सो 96% डॉक्टर थिंक पार्टनर एक दूसरे से बात शेयर करें ये प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता जो कि जो पार्टनर से तो आपस में कोलैबोरेट नहीं कर पाते, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं हो पाती है। नाउ मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एंड बैंगलोर इन सब एरियाज़ के ऊपर सर्वे करा गया था और ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा है। आउट ऑफ 1/10 यानी कि अगर हम बात करें 10 में से 1% को कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रखी है। सो IJIR की एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 1995 के अंदर 152 मिलियन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम थी, जो कि आज 2025 में जाकर आपको 322 मिलियन लोगों तक ये पहुंचने वाली है। तो ये एक एस्टिमेट है जो कि ऑलरेडी बढ़ता ही जा रहा है और ये एस्टिमेट भी कहीं ना कहीं ख़राब होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये इस क्राइटेरिया को, इस लेवल को और इस टारगेट को भी टच कर जाएगा बहुत ईजी तरीके से। इंडिया में पॉर्न वीडियो को ज़्यादा मात्रा में देखने से ये प्रॉब्लम 15% पर ईयर बढ़ रहा है, इसीलिए कुछ टाइम से वाग्रा की सेल्स काफ़ी इंक्रीज हो रही है। मेल अपने परफॉर्मेंस, स्पर्म क्वालिटी को लेकर परेशान रहता है, ये US के डाटे के अकॉर्डिंगली दिया गया है। बट बात करें इंडिया में तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है, 2 कॉमन रीजन की वजह से। फर्स्ट है पुअर लाइफस्टाइल, पुअर ब्लड फ्लो, डायबिटीज लोगों को हो रखा है, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी पे हो रखा है, ड्रग्स, मेडिकेशन, नर्व डैमेज, स्मोकर्स बनते जा रहे हैं यंग एज के अंदर। इंडिया में खासकर यंगस्टर में इसको एक ट्रेंड की तरह लिया जाता है, कूल दिखने के लिए कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से वो सिगरेट को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा डायबिटीज, स्ट्रेस, स्मोकर, डिप्रेशन वाले लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। किसी को सक्सेस देखकर या किसी को नीचे गिराकर या खुद सक्सेस ना होने पर भी लोगों को ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो लोगों के पास आज के डेट के अंदर मनी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनकी वजह से इंडिया आज पूरा का पूरा यूथ जो है काफ़ी परेशान है। सो आज से खोलकर बात करें और अपने पार्टनर से भी कन्वर्सेशन करें प्रॉपरली। कामासूत्र के बारे में बताने वाला हमारा इंडिया पहला है। आयुर्वेद जिसे हम कहते हैं, ये एक मैक्सिमम लोगों को हेल्प करने के लिए ये बनाया गया था, जहाँ से वो नॉलेज ड्रिवन कर सके और एक दूसरे को नॉलेज प्रोवाइड कर सके। इंडियन डॉक्टर्स का सक्सेस रेशियो इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा है। इन ट्रीटमेंट के द्वारा वो आपके इस चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। गुड क्वालिटी प्रीमियम सप्लीमेंट्स को आप यूज़ करके अपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक आप ठीक कर पाएंगे जब आप एक अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके हेल्प करेगा इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ रेंटिस के अंदर आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोडक्ट कोई दवाइयाँ नहीं है, ये प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट्स है जिनको यूज़ करके आप अपनी बॉडी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उसको हटा सकते हैं। नाउ इसके अंदर जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं वो है आपका रेंटिस नोवा। रेंटिस नोवा के अंदर आपको 12 ऐसे चुनिंदा हर्ब्स मिलते हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी बॉडी के अंदर इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो चुनिंदा हर्ब्स हैं वो इंडिविजुअली आपकी बॉडी में जाकर वर्क करते हैं। रेंटिस नोवा के अंदर जो 12 हर्ब्स दिए गए वो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इन चीज़ों को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जहाँ पर हमने हर एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बता रखा है डिटेल में, ताकि आप उनको यूज़ करने से साथ साथ ये भी जान सकें कि उसका क्या बेनिफिट आपकी बॉडी पे होता है। इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करें, आपको मॉर्निंग के अंदर आपको 2 कैप्सूल आपको कंज्यूम करनी होती हैं और इवनिंग में अंदर आपको 2 कैप्सूल कंज्यूम करनी होती हैं। स्टार्टिंग के अंदर आप 1 मॉर्निंग और 1 इवनिंग स्टार्ट करें और उसके बाद आप 2 मॉर्निंग और 2 इवनिंग के अंदर आप इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आपकी बॉडी पर आपको दिखता है। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी के अंदर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है या प्रोटीन आपकी बॉडी में कम होता है, वर्कआउट आप करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं मिल पाता है, तो आप एक रेंटिस का ज़ैनप्रो प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है और आपकी बॉडी में जो भी कमी है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप अगर यूज़ करते हैं तो अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे क्रैप होगा। इसके साथ साथ
अगर आप अपनी डाइट को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी डाइट के अंदर बहुत सारी नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओट्स और आपका पीनट बटर भी इंक्लूड होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपनी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। और उन सब चीज़ों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, गेट रियल डील्स, जहाँ पर आपको और दुनिया भर की सभी डील्स आपको एक जगह पर मिलती हैं, जिनको आप ग्रैब करके अपने बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के साथ साथ जो भी डील्स मिलती हैं उसको आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।